हेलो एवरीवन, लास्ट क्लास के अंदर हमने क्वालिटेटिव करेक्टर कंप्लीट कर लिए थे. कम्युनिटी के कौन से करेक्टर हमने कम्युनिटी पढ़ा था, एंड कम्युनिटी में हमने इसके जो क्वालिटेटिव करेक्टर थे, जी सर, क्वालिटेटिव करेक्टर के बारे में हमने पढ़ लिया था. ठीक है, अब इसमें हमने क्या क्या पढ़ा था. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कम्युनिटी क्या होता है. सबसे पहले, जब डिफरेंट स्पीसीज के मेंबर्स एक साथ एक जगह पे एक टाइम पे रहते हैं तो उसे कम्युनिटी कहते हैं. ठीक है, अब इसमें हमने दो तरह के करेक्टर की बात की थी. एक थे क्वालिटेटिव, एक थे क्वांटिटेटिव. अब क्या फर्क है क्वालिटेटिव करेक्टर एंड क्वांटिटेटिव करेक्टर में. क्वालिटेटिव का मतलब होता है गुणात्मक, क्वांटिटेटिव का मतलब होता है मात्रात्मक. नाम से ही पता चल रहा है, हिंदी में लें चाहे इंग्लिश में लें, क्वालिटी बताए, गुणात्मक उसके गुण बताए, वो होते हैं क्वालिटेटिव. इसके अंदर हमने कौन कौन से पढ़े थे. क्वालिटेटिव करेक्टर में हमने डोमिनेंस पढ़ा कि किसी कम्युनिटी के अंदर डोमिनेंस का क्या मीनिंग है, कि जो स्पीसीज बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होती है और अपने आप को डोमिनेंट शो करती है उसे आप दूर से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं. जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था, पाइन का फॉरेस्ट है. सेकंड, हमने स्पीसीज की डाइवर्सिटी, इवननेस, कितनी समानता हैं, कितनी स्पीसीज एक जैसी हैं और कितनी स्पीसीज डिफरेंट हैं, एंड रिचनेस के बारे में पढ़ा था. ये था स्पीसीज के बारे में. थर्ड जो पॉइंट हमने पढ़ा था वो था स्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिटी, कि अगर हम प्लेनर एरिया टेरिस्ट्रियल में देखें तो हम उसे वर्टिकल स्टडी करते हैं और माउंटेन पे हम हॉरिजेंटल स्टडी करते हैं. वाटर के अंदर हम लिटोरल एंड लिमनेटिक जोन, प्रोफेंडल जोन, बेंथिक, ये पढ़ते हैं. फोर्थ में हमने पढ़ा था स्पीसीज के टाइप्स, कि कितनी टाइप्स की स्पीसीज होती हैं. की स्टोन स्पीसीज, अम्ब्रेला स्पीसीज, इंडिकेटर स्पीसीज, फ्लैगशिप स्पीसीज, ये टोटल 5 टाइप की पढ़ी थी. इसके बाद हमने पढ़ा था लाइफ फॉर्म्स, कि लाइफ फॉर्म्स क्या होती हैं. इसे हमने 4 बेसिस पे डिवाइड किया था, कि अगर उनका सोशल बिहेवियर कैसा है, सिंगल रहना पसंद करते हैं, ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, ग्रुप कितना बड़ा, उनको S1 से लेके S5 तक, ये 5 टाइप के थे. सेकंड में हमने वाइब्रिटी के बेसिस पे, कौन कितना जी रहा है, एग्जाम्पल के फॉर्म में, जैसे कि अगर सिडलिंग मर गया तो V1, सिडलिंग तो जी गया लेकिन उसके अंदर रिप्रोडक्शन नहीं हुआ, V2, सिडलिंग में रिप्रोडक्शन हुआ लेकिन वेजिटेटिव टाइप का, V3, सिडलिंग में रिप्रोडक्शन हुआ वेजिटेटिव टाइप का लेकिन उसमें सेक्चुअल प्रेजेंट है, V4, और जनरली सेक्चुअली हो रहा है, V5, इस तरह से. थर्ड हमने पढ़ा था टेम्परेचर के बेसिस पे, मेगाथम्स, मीजोथम्स, माइक्रोथम्स, हेक्स्ट्रोथम्स. फोर्थ हमने पढ़ा था जो पेरिनेटिंग बर्ड्स होती हैं, चीरकालिक जो संरचनाएं होती हैं प्लांट्स के अंदर, वो किस हाइट पे लगती हैं, उसके बेसिस पे. अब इस तरह से हमारे क्वालिटेटिव करेक्टर तो कंप्लीट हो गए थे. अब हमें पढ़ना है क्वांटिटेटिव. ये जो करेक्टर हैं ये आपके प्रैक्टिकल के बेसिस से भी इम्पॉर्टेंट होते हैं. क्यों? क्योंकि आपके प्रैक्टिकल में आपको ईको के अंदर ये सब करना होता है. मोस्ट ऑफ कैसे करना होता है, कि आपको कम्युनिटी की डेंसिटी निकालनी है, कम्युनिटी की फ्रिक्वेंसी निकालनी है, अबंडेंस निकालनी है, रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव फ्रिक्वेंसी, रिलेटिव अबंडेंस, IVI, ये सब करेक्टर जो हैं क्वांटिटेटिव में आते हैं. तो चलिए आज स्टार्ट करेंगे क्वांटिटेटिव करेक्टर कम्युनिटी के. ओके, सो पॉइंट डालिए, कम्युनिटी के कौन से करेक्टर, क्वांटिटेटिव, मात्रात्मक. चलिए सबसे पहले जो हमें इनके अंदर पढ़ना है उनको देख लेते हैं. क्वांटिटी बताएं, उन करेक्टर को लेना है. फर्स्ट लेंगे डेंसिटी, हिंदी में क्या कहते हैं, घनत्व. सेकंड लेंगे फ्रीक्वेंसी.
थर्ड लेंगे अबंडेंस, फोर्थ लेंगे रिलेटिव डेंसिटी, फिफ्थ लेंगे रिलेटिव अबंडेंस, सिक्स लेंगे रिलेटिव फ्रिक्वेंसी, सेवन्थ लेंगे IVI। इसके अलावा हम एक बायोलॉजिकल स्पेक्ट्रम करके भी पढ़ेंगे क्योंकि वो आपके कोर्स में मेंशन है। तो चलिए फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं डेंसिटी से। सबसे पहले डेंसिटी क्या है, अगर हम सिंपल कहें तो आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा डेंसिटी, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा डेंसिटी। आप लिखते हैं D=mV, यही लिखते हैं फॉर्मूला वाइज। अब जैसा मैंने आपको बोला था कि इको के अंदर जो भी अभी तक आपने पढ़ा है उसका थोड़ा सा वेरिएशन मिलेगा, थोड़ा ऑपोजिटनेस वहाँ आ जाएगी। तो अगर हम डेंसिटी को कहें तो डेंसिटी इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि किसी कि किसी इतने से एरिया में, या फिर आप कह लीजिए पर यूनिट एरिया में कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स प्रेजेंट हैं उसे कहते हैं डेंसिटी। ओके, तो अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखें तो हम लिख सकते हैं कि द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ अ गिवन स्पीसीज, क्योंकि हम कम्युनिटी के बेसिस पे ले रहे हैं तो यहाँ पे डिफरेंट स्पीसीज प्रेजेंट होती हैं, दैट अकर्स विद इन अ गिवन एरिया, या फिर यहाँ ले लीजिए विद इन अ यूनिट एरिया। ठीक है, अब यहां पे देखिए द नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ अ गिवन स्पीसीज दैट अकर विद इन एन यूनिट एरिया, कि ये एक यूनिट एरिया है जिसके अंदर जितने इंडिविजुअल्स प्रेजेंट होंगे वो होगी उसकी डेंसिटी। जैसे कि मान लेते हैं कि ये भी 1 मीटर का है और ये भी 1 मीटर का है, तो यहां पे कितने मेंबर दिख रहे हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5, तो कितने हो गए 5 मेंबर्स या 5 इंडिविजुअल पर यूनिट एरिया या फिर पर मीटर स्क्वायर, यही होगा। तो इसे कहेंगे डेंसिटी। हिंदी में क्या डेफिनेशन लिखेंगे आप, क्योंकि आपका क्वेश्चन आएगा मैम हिंदी में बताइए, तो ओके हिंदी में लिखिए। हिंदी में डेफिनेशन होगी डेंसिटी की, एक, ये इसलिए लिखवा रही हूँ हिंदी में इंग्लिश में बिकॉज आपको आपके प्रैक्टिकल में करना है, या आप जहाँ भी आगे करेंगे काम वहाँ पे इसका यूज़ होता है, चाहे आप BSc करें, MSc करें या कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दें। तो किसी इकाई क्षेत्रफल में पाए जाने वाले एक प्रजाति के पौधों की कुल संख्या। अब देखिए कुछ समझ आया आपको यहां पर, क्या कहलाती है उसकी डेंसिटी कहलाती है, घनत्व। देखिए ये जो डेंसिटी वाला आपने टर्म है ये कहाँ पढ़ा था, पॉपुलेशन के अंदर। क्या पढ़ा था पॉपुलेशन के अंदर डेंसिटी की डेफिनेशन, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स प्रेजेंट इन एन यूनिट एरिया एट अ पर्टिकुलर टाइम, कि एक टाइम पर किसी एक
यूनिट एरिया में या एक पर्टिकुलर एरिया में जितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल प्रेजेंट होते हैं वो उस पॉपुलेशन का क्या कहलाता है, घनत्व, डेंसिटी कहलाती है। तो इसी को जब हम कम्युनिटी के अंदर निकालते हैं तो कम्युनिटी में क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप की स्पीसीज होती है। मैंने जैसे यहाँ पे बताया था कि गिवन स्पीसीज, यहाँ पे कम्युनिटी के अंदर बहुत सारी तरह की स्पीसीज दी होती हैं, तो इसलिए डिफरेंट डिफरेंट, जैसे मान लेते हैं कि इस कम्युनिटी के अंदर 5 तरह की स्पीसीज हैं। कुछ नीम के प्लांट हैं, कुछ बोगेनविलिया है, कुछ मैंजीफेरा है आम के, बनाना एंड अगेव। ओके, अब इनके नंबर, इसके नंबर 10 हैं, इसके 4 हैं, इसके 2 हैं, 2 नहीं 3 ले लीजिए, इसके 3 हैं, इसके 8 हैं, इसके 6 हैं। अब ये जो नंबर हैं ये किस एरिया में प्रेजेंट है, पर मीटर स्क्वायर। तो नीम की डेंसिटी क्या होगी, 10 इंडिविजुअल पर मीटर स्क्वायर, बोगेनविलिया की 4 इंडिविजुअल पर मीटर स्क्वायर, मैंजीफेरा की 3 इंडिविजुअल, मूशा की 8 एंड अगेव की 6। तो हाईएस्ट डेंसिटी इस कम्युनिटी के अंदर, हाईएस्ट डेंसिटी किसकी है, यानी कि सबसे ज़्यादा घनत्व किस स्पीसीज का है, सबसे ज़्यादा डेंसिटी किस स्पीसीज की है। तो उसमें आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि सबसे पहले नीम, फर्स्ट नीम आएगा एज ए डायरेक्ट इंडिका, सेकेंड बनाना, थर्ड अगेव, फोर्थ बोगेनविलिया एंड फिफ्थ मैंजीफेरा। इस तरह से समझ आया आपको क्या बताया है मैंने, क्योंकि हमें डेंसिटी निकालनी होती है और डेंसिटी पॉपुलेशन की होती है, इसलिए क्या होता है, हम हर एक स्पीसीज की पहले डेंसिटी निकालते हैं, हर एक स्पीसीज की अलग अलग। डेंसिटी निकालेंगे एंड उसके बाद में उसे कंपेयर कर लेंगे दूसरे स्पीसीज की डेंसिटी के साथ में कि किसके अंदर कितने मेंबर्स प्रेजेंट हैं और किसकी हाईएस्ट है। तो आपको फिर एंड में हाईएस्ट किसकी डेंसिटी है वो देखना होता है एंड लोएस्ट किसकी है वो देखना होता है, यानी कि मैक्सिमम डेंसिटी एंड मिनिमम डेंसिटी। समझ आया कि नहीं, नहीं आया तो पूछिए। चलिए अब आता है सेकंड, डेंसिटी कंप्लीट हुई, इसका फॉर्मूला लिख लीजिएगा, डेफिनेशन लिख ली हो तो इसका फॉर्मूला लिख लीजिएगा। फॉर्मूला की बात करते हैं तो मैं ये हिंदी वाला रफ कर रही हूँ, चलिए ये रफ कर देती हूँ, फॉर्मूला यहाँ लिख रही हूँ। डेंसिटी का जो फॉर्मूला है इंग्लिश में आप लिखिए डेंसिटी घनत्व टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीसीज अपॉन टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेट स्टडी, टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेट स्टडीज। अब देखिए यहाँ पे आपको एक पॉइंट याद रखना है, क्या पॉइंट याद रखना है कि ये जो वर्ड आ रहा है क्वाड्रेट, ये क्या है, क्वाड्रेट का आपके प्रैक्टिकल होता है, क्वाड्रेट एक तरह से ऐसे मान लीजिए एक मेथड है, क्या है, मेथड है जिसके अंदर किसी भी कम्युनिटी में जो वहाँ की डेंसिटी है, फ्रिक्वेंसी है, अबंडेंस है, ये जो करैक्टर हैं यानी कि जो क्वांटिटेटिव करैक्टर हैं उनको पता करना होता है कि वहाँ पे कितने मेंबर्स प्रेजेंट हैं, उनकी क्या फ्रिक्वेंसी है, क्या डेंसिटी है। तो इसके लिए एक प्रोसेस किया जाता है, एक मेथड यूज़ किया जाता है जिसमें आपको थ्रेड दिया जाता है या तो, या फिर सीधे से ही एक इस तरह से स्क्वायर शेप का, राउंड शेप का, एक फिक्स लेंथ का जिसका कि एरिया फिक्स होता है, उस तरह का
एक सेप कुछ ऐसे मान लीजिए कि ये स्क्वायर टाइप की आपको एक दी जाएगी, या आपको थ्रेड दिया जाएगा, इस थ्रेड को आपको फोर नेल्स में बांधना है। तो जब आप ये प्रैक्टिकल करेंगे तब आपको ये अच्छे समझ में आएगा। बस ये समझ लीजिए कि क्वाड्रेट एक तरह का मेथड है, आपको क्वाड्रेट का प्रैक्टिकल परफॉर्म करना होता है, जिसके अंदर आप इस तरह से थ्रेड लेते हैं और उस थ्रेड को सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे कि आपने एक थ्रेड लिया, थ्रेड का मतलब धागा और नेल्स का मतलब कील, तो आपने एक कील ली, इस कील को यहाँ पे गाड़ दिया। अब यहाँ पे आपने क्या करा, उस थ्रेड को, उस धागे को बांधा, ठीक है। अब यहाँ से 100 मीटर कितना होगा वो काउंट किया, स्केल होती है आप लोगों के पास, उसके बाद सेकेंड वाली नेल जहाँ पे 100 मीटर हो रहा है वहाँ पे पुट करेंगे और उससे थ्रेड को लपेट देंगे। थ्रेड को तोड़ना नहीं है, अब यही थ्रेड, ये जो थ्रेड बांधा है आपने, इसको यहाँ पे नेल पुट करी और ये जो थ्रेड है इसको इस तरह से राउंड कर देंगे। आप यहाँ पे फिर से 100 मीटर करेंगे, 100 मीटर या सेंटीमीटर में ले लीजिए, मीटर नहीं सेंटीमीटर, क्योंकि मीटर ज़्यादा हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर, क्योंकि हमारे पास एरिया छोटा होता है, तो 100 सेंटीमीटर, ठीक है, 100 सेंटीमीटर ले लिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर भी नेल पुट करेंगे और यहाँ पर भी थ्रेड बांध देंगे, इस तरह से चारों तरफ से एक स्क्वायर बना लेंगे 100 100 का, 100 सेंटीमीटर का स्केल से, और एक एरिया पुट कर लेंगे कितने का, 1 मीटर स्क्वायर का, यहाँ से भी 1 मीटर और यहाँ से भी 1 मीटर, यानी कि 1 मीटर आपको यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, सब तरफ से इक्वल होना चाहिए 1 मीटर। अब उसके अंदर आप उसके छोटे छोटे पार्ट करेंगे, 10 सेंटीमीटर यहाँ से, यहाँ से, इसमें कितने प्लांट्स प्रेजेंट हैं, कितने डिफरेंट टाइप के स्पीसीज प्रेजेंट हैं, उन्हें काउंट करेंगे, फिर लेंगे 10 सेंटीमीटर यहाँ से, यहाँ से, फिर इन दोनों के अंदर कितने प्रेजेंट हैं उन्हें काउंट करेंगे, फिर 10 लेंगे, ऐसे करते करते आप 100 तक आएंगे। तो ये जब प्रैक्टिकल परफॉर्म किया जाएगा तब आपको फिर से समझा दिया जाएगा। अभी आपको ये जो थ्योरेटिकल पोर्शन है ये लिख लेना है, ठीक है। तो समझ में आ गया क्या है डेंसिटी की डेफिनेशन। डेंसिटी का मतलब होता है कि कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल एक एरिया में प्रेजेंट हैं, और ये एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन के लिए निकाला जाता है। तो फॉर्मूला लिख लीजिएगा, हिंदी में फॉर्मूला होता है, इंग्लिश में लिख लिया, अब हिंदी में बता रही हूं। हिंदी के अंदर जो फॉर्मूला है वो है डेंसिटी, को हिंदी में सघनता कह रहे हैं, घनत्व नहीं, सघनता, अध्ययन किए गए सभी क्यू से क्वाड्रेट है मैं एक ही प्रजाति के पौधों की कुल संख्या, बिकॉज हम यहाँ बॉटनी ले रहे हैं इसलिए यहाँ पौधे लिखा है, तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे, अध्ययन किए गए सभी क्वाड्रेट में प्रेजेंट एक ही स्पीसीज के इंडिविजुअल्स का नंबर। अगर आप जूलॉजी में करेंगे तो पौधों की जगह एनिमल्स आ जाएगा, और यहाँ पर अगर आप सिंपल सा डेंसिटी को डिफाइन करेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं कि जो क्वाड्रेट स्टडी कर रहे हैं, जिन क्वाड्रेट को आप पढ़ रहे हैं, जैसे क्वाड्रेट कितने स्टडी कर रहे हैं आप एक एक मीटर का बनाते हैं और ऐसे 10 क्वाड्रेट बनाते हैं, तो आपने कितने क्वाड्रेट स्टडी करे, 10, उनमें कितने में देखिए अध्ययन किए गए सभी क्वाड्रेट में एक ही प्रजाति के पौधों की कुल संख्या, तो मान लेते हैं 10 क्वाड्रेट में जो नीम था वो 50% है, अपॉन
किए गए क्वाड्रेट्स का नंबर। देखिए एक बार आप अभी सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मूलाज पे और इन पे ध्यान दे लीजिए, उसके बाद में आपको करना कैसे है ये भी एक बार बता दूंगी ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना रहे। तो जैसे कि हमने 10 क्वाड्रेट्स बनाए हैं, उन 10 क्वाड्रेट्स के अंदर आपको 50 नंबर मिले हैं किसी प्लांट के, और आपने कितने क्वाड्रेट स्टडी करे हैं, 10, तो इसकी डेंसिटी कितनी होगी बताइए। ठीक है, इस तरह से आप अभी सिर्फ और सिर्फ ये डेफिनेशन पे एंड फार्मूलाज पे ध्यान रखिएगा, फिर अपन जब पूरे आपके फार्मूला एंड डेफिनेशन हो जाएंगे तो फार्मूला को यूज़ करके आपको अच्छे से प्रैक्टिकल करना बता देंगे। तो चलिए, समझ आया हो आपको, क्या समझ आया, वापस बता रही हूँ सिंपल सा शॉर्ट में, कम्युनिटी का आपको क्या पढ़ना था, क्वांटिटेटिव करेक्टर, जिसमें क्या पढ़ना था, क्वांटिटेटिव मात्रात्मक। ठीक है, जिसमें आपने फर्स्ट लिया डेंसिटी, सघनता, और ये हर एक पॉपुलेशन के लिए काउंट की जाती है अलग से। कम्युनिटी के अंदर अगर 10 तरह की स्पीसीज प्रेजेंट है तो 10 की 10 को आपको डेंसिटी काउंट करनी पड़ेगी। और ये क्या होती है, सिंपल सा कहें कि कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं उस यूनिट एरिया में एक टाइम पर, वो होती है डेंसिटी, जिसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स प्रेजेंट या फिर टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल प्रेजेंट इन विच क्वाड्रेट स्टडी, कि जो आपने क्वाड्रेट स्टडी करे हैं उनके अंदर कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल प्रेजेंट हैं, अपॉन कितने नंबर ऑफ क्वाड्रेट हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेट स्टडी, आप कितने नंबर ऑफ क्वाड्रेट ले रहे हैं, उनमें से हर एक क्वाड्रेट के अंदर कितने मेंबर प्रेजेंट हैं, तो टोटल कितना होगा। इन दोनों फॉर्मूला को आप अच्छे से लिख लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर फ्रिक्वेंसी एंड अबेंडेंस को पढ़ेंगे। अब ध्यान रखिएगा, पहले मैं आपको फार्मूलाज करा दूंगी, सारे डेफिनेशन करा दूंगी, इसके बाद प्रैक्टिकल कैसे करना है इसे परफॉर्म करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, कोई कन्फ्यूजन हो तो पूछिएगा।